नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। दिल्ली एनसीआर में हुई बरसात के चलते जहां दिल्ली पूरी तरह लबालब नजर आई, तो वहीं फरीदाबाद में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के नीचे बरसाती पानी जमा होने के चलते वाहन फंस गए और वाहन चालक भी वहीं फंस गए। सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाल रही है, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें दिल्ली से सटे ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज की हैं, जहां पर आज हुई झमाझम बरसात के चलते अंडरब्रिज में पानी भर गया। आपको बता दें कि बरसाती पानी की निकासी न होने के चलते यहां से गुजरने वाले वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ वाहनों को सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू कर रही है। वहीं उनका मानना है कि नगर निगम की बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी, मेरा नाम मानव अरोड़ा हूँ जी, सिविल डिफेंस सब इंस्पेक्टर फरीदाबाद। ये सर दरअसल क्या है, ये फरीदाबाद प्रशासन की कुछ हम कह सकते हैं नाकामियां भी हैं, क्योंकि एमसीएफ की नाकामियां हैं। जो पानी इतना भर जाता है, कोई निकासी नहीं है इस पानी की। अभी हमारे जवान अंदर गए हुए हैं, बहुत से लोगों को निकाल भी रहे हैं, आपने देखा है। इसके अंदर करीब से 3 से 4 फुट गहरा पानी भी है, आप देख सकते हैं, पूरा पानी अंदर तक भरा पड़ा है। हमारी टीम लगातार काम कर रही है जी। हमारे साथ एनआईटी से इंचार्ज हैं मोहित सिंह ठाकुर, और जी हमारे वार्डन कॉन्स्टेबल हैं सुरेंद्र कुमार जी। सर, इसके लिए सर हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है इसके लिए। आप देख उस साइड भी, आप देखेंगे तो उस साइड हमारी टीम लगी पड़ी है, लोगों को लगातार अंदर आने से मना कर रही है, लेकिन कई लोग शरारती तब अब जबरदस्ती अंदर बढ़े जा रहे हैं, वो किसी को कुछ चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं। सर, साइड से जो निकल रहे हैं उनके लिए चेतावनी यही है कि देखो, निकलने को किसी को मना नहीं है साइड से, लेकिन साइड में पूरा गटर का पानी भरा पड़ा है। वो जो भी खेलेगा अपनी जान से खेलने वाली बात है ये। सर, जैसे कि हमारे जो चीफ वार्डन है डॉक्टर एम पी सिंह जी, इनके आदेश अनुसार हम लोगों को कल तक पूरा डिप्लॉय किया गया था कि जहाँ जहाँ भी पानी की निकासी नहीं है, जैसे ओल्ड अंडरपास हो गया, नीलम हो गया, बदरपुर पे भी हमारी टीम लगी पड़ी है जो कि काम कर रही है लगातार। सर, ये नगर निगम की लापरवाही है सीधी सीधी, यहाँ किसी भी टाइप की कोई पानी की निकासी नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। आप देख सकते हैं बारिश बंद हुए बहुत देर हो गई, लेकिन पानी फिर भी वैसा का वैसा, ये तस्से मसे हिल नहीं रहा पानी अपनी जगह से, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। कोई लोग कहीं तो मान भी नहीं रहे हैं, कई जी अपनी दादागिरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना भी कार्य कर रही है और प्रशासन की मदद कर रही है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।